हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी चिकन की रेसिपी। तो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी और अभी भी वॉइस ओवरिंग करते हुए मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे खा लूँ। तो मैं ये मलाई टिक्का एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूँ, तो मैं सब भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में ही करने वाली हूँ। तो जो आप देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट टाइम आप बाहर से नहीं खाएंगे, खुद बनाकर अपने हाथ से ही खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनी थी यार, सच्ची बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैं इसे दो तरीके से बनाऊंगी, तो आप दोनों तरीका देख लीजिएगा, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा वो आप ट्राई करिएगा। दोनों ही तरीके में बहुत ही टेस्टी बना था। तो चलिए झटपट से अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 kg बोनलेस चिकन, और जिसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। सबसे पहले हम चलिए एक पेस्ट बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 25 से 20 काजुओं को ले लिया है, 10 से 15 हरी मिर्च को ले लिया और धनिया की पत्ती को। तो हमें इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेना है। हमारा पेस्ट बन चुका है, उसे मैंने साइड में रख दिया है। अब मैंने अपने चिकन में ऐड किया है 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और साथ में ऐड करना है 1 चम्मच चाट मसाला, और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला पाउडर। और अब इसमें ऐड कर लेना है 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और उसमें ऐड कर लिया है 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का जूस। तो अब उसमें हम ऐड कर लेंगे 200 ग्राम दही को। तो ये दही मेरी मीठी वाली नहीं है, ना ही खट्टी वाली है, सादी दही है। तो बस ये गाढ़ी दही है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। अब उसमें हम ऐड कर लेंगे जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था। तो अभी हम 3/4 पेस्ट को यूज़ करेंगे और 1/4 पेस्ट को साइड में रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच ये ग्रीन पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था उसको ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने बचा के रख दिया हुआ है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो पेस्ट को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से हमें इसे मैरिनेट कर लेना है, और तकरीबन 1/2 घंटे तक हमें इसे रख देना है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे फ्रीज में और भी घंटे के लिए रख सकते हैं। जितना भी आप रखोगे उसका टेस्ट अच्छा ही आने वाला है। तो बस ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है, तो बस मैंने इसे अब रख दिया है 1/2 घंटे के लिए। तो चलिए 1/2 घंटा हो चुका है, तो हम बना लेते फटाफट से अपना मलाई टिक्का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टिक को ले लिया है। तो हम इस एक एक करके अपने स्टिक में अपने चिकन को इस तरीके से लगा देंगे, और अगर आपके पास स्टिक ना हो तो आप इसे डायरेक्ट कढ़ाई में भी फ्राई कर सकती हैं, उसका भी तरीका मैंने बताया हुआ है। तो मैंने पहले तरीके में स्टिक से इसे फ्राई किया हुआ है। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे चिकन को लगा दिया है, चिकन के टुकड़ों को, और इसे हम फ्राई करेंगे। मैंने इसे रेस्टोरेंट में खाया और उसने मुझे इसी तरीके से सर्व किया था, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसे इस तरीके से पहले बनाऊंगी, इसलिए मैंने पहले इसे स्टिक में बनाया हुआ है। तो बस मैंने एक फ्राई पैन को ले लिया है, उसमें ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर अमूल बटर, उसको मैंने इस तरीके से मेल्ट कर दिया है। जब हमारा बटर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो एक एक करके हमें अपनी स्टिक को अपने फ्राई पैन पर रख देना है, और हमारी जो गैस की फ्लेम होगी वो पहले हाई होगी। तो बस एक एक करके स्टिक को रख देना है इसमें। और फ्रेंड्स, सच में बताएं, अगर आप इसे बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना था। एकदम नहीं लग रहा था कि ये घर में बना हुआ है, लग रहा था कि बस ये हमने बाहर से ही मंगाया हुआ है। तो बस यहाँ स्टिक को रखने के बाद हमें इसे पका लेना है। पहले तो हमारा जो गैस का फ्लेम होगा वो हाई होगा, उसके बाद हम थोड़ा सा स्लो करके फिर वापस से हम इसको हाई कर देंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेगा इसे पकने के लिए, क्योंकि इसमें हड्डियाँ तो है नहीं, तो फिर ये बहुत ही जल्दी से गल जाता है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा बटर डाल देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाए, और इसमें जो स्मेल हो जाएगी बटर की वो आ जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। तो इस तरीके से हमें पलट पलट कर इनको अच्छी तरीके से पहले सेक देना है। तो आप देखोगे इसमें हल्का हल्का ना ग्रिल मार्क आने लगा है। तो बस आप देखो, जब ये गल जाए और इसमें हल्का हल्का इस तरीके से ग्रिल मार्क आने लगे, तो समझो ये हमारा हो चुका है। तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दीजिए ताकि जो ग्रिल मार्क है वो और अच्छे से इसमें आ जाए, और ये जो कच्चा ना रहे एकदम से ड्राई हो जाए। तो बस ये हमारा बन के तैयार हो चुका है, तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। आप चाहो तो डायरेक्ट गैस पे थोड़ा सा इसे ग्रिल कर सकते हो, लेकिन इसमें इतना स्मोक है कि इतना इनफ है, लेकिन अगर आपको और स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा सा इसमें आप स्मोक दिला सकते हो। चलिए अब इसके डिप को बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उसी सेम फ्राई पैन में वापस से अमूल बटर को मेल्ट कर लिया है, और जो हमने बचाया हुआ था हरा पेस्ट उसे हमने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे फ्रेश क्रीम, जिससे कि इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मलाई टिक्का तो हमें क्रीम की ज़रूरत तो है ही। फिर इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर। इसे हम 1 उबाल आने तक पका लेंगे। बस जिसमें हल्का सा 1 उबाल आ जाए तो इसे हम बंद कर देंगे, हमारा पक के तैयार हो जाता है। तो बस इसमें 1 उबाल आ चुका है, तो मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो बस चलिए झटपट से हम इसको सर्व कर लेते हैं। जो हम बनाएंगे वो ना तो हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। चलिए अपनी लाजवाब मलाई टिक्के को हम सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको ट्रे में पहले अपने टिक्के को रख दिया, अब उसके ऊपर मैंने ये पेस्ट को गिरा दिया, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने मलाई को इसमें इस तरीके से
गिरा दिया ताकि थोड़ा सा दिखने में ये भी अच्छा लगे और लगे कि एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है। और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है धनिया पत्ती बारीक बारीक कट करके। आप चाहो तो वापस इसमें हल्का सा चाट मसाला छिड़क कर इसे खा सकते हैं। तो ये फ्रेंड बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में, बहुत ही यम्मी, और आपको लगेगा कि आप बाहर का खा रहे हैं और इतना जूसी बनाया है कि मैं क्या बताऊँ। तो बस इसे आप इस तरीके से खाइए और इन्जॉय करिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए सेकंड मेथड को भी देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड में मैंने बचे हुए जो हमारे चिकन थे उसको एक कढ़ाई में मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया हुआ है और गैस के फ्लेम को पहले हाई किया हुआ है ताकि इसका जो पानी है वह जल्दी से ड्राई हो जाए। तो इसे भी तकरीबन 10 मिनट ही लगेंगे पकने के लिए। इसे मैंने ढक दिया है ताकि जल्दी से ये गल भी जाए और इसका पानी देखेंगे अब फटाक से ड्राई हो जाता है। तो अभी अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, इसमें जरा सा भी पानी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक बाउल में निकाल देंगे। तो आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप उसे ट्राई करिएगा और बताएगा कि आपका चिकन टिक्का कैसे बना था। तो मैंने बस इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो आप इसको डायरेक्ट गैस पर तंदूर की तरह आप इसको या फिर ओवन में डायरेक्ट इसको आप ग्रिल मार्क लगा सकते हैं, लेकिन मेरे घर पे ज़्यादा किसी को स्मोकी फ्लेवर पसंद नहीं, इसलिए मैं जल्दी इन लोगों को स्मोकी फ्लेवर नहीं देती हूँ। अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था मलाई का, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया हरी धनिया छिड़क कर, और अब इसे गर्मा गर्म सर्व करने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं मलाई। और सबसे बेस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको थोड़ा सा जो अमूल बटर होता है उसको मेल्ट करके उसके ऊपर जब भी हमें खाने के लिए देना हो गर्म गर्म, तब हम इस पर अमूल बटर को थोड़ा सा मेल्ट करके इसके ऊपर अच्छी तरीके से हमें डाल देना, जिससे कि इसके बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इसे बनाइए, अगर आपको ये पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम।